नहीं हो तो जनरेटर भी वैसे अल्टरनेटर बन जाता है। एक बात और बताना चाहूंगा, जितने सारी ये कविता पढ़ रहे हैं मैंने, यही के एक स्टूडेंट हुआ करते थे पहले, इसी 10-13 डिप्लोमा, उनका नाम था अनंत केशव। जितने सारे पुराने टीचर्स हैं सबको जानते हैं, गए थे उन्हीं की भेजी हुई सारी कविता अभी पढ़ रहा हूँ। प्लीज क्लैप फॉर अनंत केशव। यस सर, पोएट। यस सर, इलेक्ट्रॉनिक दस्तेरा। एक्चुअली सर मैंने रिक्वेस्ट किया है ये कवि सम्मेलन के लिए, तो मैं भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि वो आ सकते हैं। नाइंटीज को उसको बुलाओ। यस सर, नाइंटीज को उसको बुलाओ। यस सर, बी ऑन द स्टेज। ओके सर, कहना चाहिए कि कॉलेज के अंदर कोई कड़ी कहा। यस सर, ये छोड़िए, धनजीत सर को आग्रह करना चाहूंगा इस चीज पे आने के लिए। प्लीज क्लैप करो धनजीत सर। प्लीज यू कैन डू इट। जब ये है हाई वोल्टेज। एक्चुअली सर इसके चक्कर में हमको नींद नहीं आ रहा था। I know my son, मुझे पता है कि मुझे भी नींद नहीं आती है। मैम हाजिर हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम। नेहा का तो बिल्कुल नहीं रहा, अच्छे से पढ़ा रही है। इनको देख के लग रहा है अच्छे से पढ़ा रही है। सब लोग अपना अटेंडेंस बनाते जाइएगा, क्योंकि अगर ऐसे क्लास में होता है ना, अगर एक दिन नहीं आओ तो 5 दिन का अटेंडेंस गायब। तो यार रंजीत का तो बढ़िया हुआ है, लेकिन इससे बढ़िया होगा कि सारे बच्चे सोच ले कि 50% से कम अटेंडेंस रहेगा, तो बच्चों को स्वयं डिसाइड करना होगा कि परीक्षा बैठेगी नहीं बैठेगी। इसलिए कि वो कंपलसरी नहीं है, बट इट्स योर फीलिंग ओनली। अच्छा बनने के लिए, जैसे मैं चेयरमैन हूँ, मैं नहीं आऊँगा तो कॉलेज नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल नहीं चला सकते हैं या टीचर नहीं चला सकते, सब लोग चला सकते हैं। उसी तरीके से मुझे लगता है कि अटेंडेंस ऐसा वाइटल पॉइंट नहीं हो जाए, जैसे अभी लोगों के मन में आ रहा है कि जैसे नौकरी वाले को लगता है कि सर इनकम टैक्स नहीं लगता तो बढ़िया था, क्यों हम लोग भी नौकरी किए हैं, तो इसलिए नॉट वरी माइंड सर। रंजीत का फोटो बढ़िया है, तारीफ उसकी कमी है रंजीत सर अभी सर। क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा सा इसके कारण 3-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ा, और सर खुद बोले थे कि मैं एक फ्रेम में नहीं आऊंगा, तो 5 बार करके बनाना। नारायण सर, बढ़िया बनाया सर।
करंट डायनामाइट को दे रहे हैं सर, संभाल के रखिएगा इसको। थैंक यू सर। अब तो लगेंगे बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सिविल इंजीनियर पधार चुके हैं। अब सिविल इंजीनियर के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। ये ऐसे इंजीनियर होते हैं जो इंजीनियर करके भी जमीन से जुड़े रहना चाहते हैं, तो समझ लीजिए आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी के दौर में अब सब कुछ आसान हो गया है, पर इनके अस्त्र देखकर लगता है युद्ध घमासान हो गया है। अब मैं इस स्टेज पे सिविल ब्रांच के एचओडी मनीष सर को बुलाना चाहता हूँ। मनीष सर हाजिर हो। मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि कुछ पेंटिंग्स को नहीं बनाया, जिसके कारण मुझको बहुत दुख है। तो ये पेंटिंग अनुज कुमार नाम के थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बनाए, वो मेरे से ही बेटर पेंटर है। अनुज कम ऑन द स्टेज। अनुज प्लीज कम ऑन द स्टेज। यस दैट ग्रेट आर्टिस्ट। गिव अ ह्यूज क्लैप फॉर अनुज। एक और है, गिव अ ह्यूज क्लैप फॉर अनुज। अनुज मैं बीच में भूल जाऊंगा। 19th को हम लोग एक कंपटीशन रखते थे कवि सम्मेलन के बीच में, बच्चे सुनते रहेंगे और मैं स्केच बनाते रहेंगे। 19th को ये हमारे जितने कॉलेज के आर्टिस्ट हैं वो सब एक बोर्ड रखेंगे और ये जो ड्राइंग शीट है जो भी इनका होता है वो सब रहेगा, फ्रेम लगा रहेगा, अच्छे से लगना चाहिए कोई आर्टिस्ट बना रहा है। और हम लोग उस दिन रखेंगे कि हमारे जितने मित्र आ रहे हैं कितने का कौन स्केच बना सकता है, यानी जैसे तुम हो अगर, ठीक है, तो मान लिया कि हमारे 20 मीटर लगभग हैं तो मोस्ट ऑफली 12-15 तो आ ही जाएंगे, जो कि हायर पोस्ट पे हैं, कहीं कहीं उनका शेड्यूल चेंज होगा, ये वो होगा, तो वो भागते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ उस दिन के वो थोड़ा भी चलता रहेगा लेकिन ये आर्टिस्ट बगल में बैठे रहेंगे, उनको देखते रहेंगे, उनको देख करके फोटो स्केच करते रहेंगे और लास्ट में समापन के टाइम है उसके पहले हम लोग एक जूरी बना देंगे और उन मित्रों को खड़ा भी करेंगे और उनका फोटो भी वहाँ लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सबसे बढ़िया बनाता है। आई होप कि मैं तो तीन को देख रहा हूँ, एक दो अच्छा वो भी है, चार हो गया। मैं यही सोच रहा था कि तुम अकेले कैसे इतना खींच के बना रहे थे। हाँ नहीं यार, मैं तो नहीं यार, फिर भी मुझे पता है ना कि सारा काम तो हम अकेले नहीं करते हैं, हमारे लोग ही करते हैं, बट द स्पिरिट इज विद यू एंड सिंगल फोटो ही तुमने बनाया है तो तुमने तो मनीष को जिंदा ही खड़ा कर दिया है। मनीष का अगर थोड़ा बहुत काली गुली खोलते मुंह में तो लगभग बराबर ही हो गया। दाढ़ी मोटी अगर बना दे हम लोग तो बराबर ही हो जाएगा, तो दैट्स वेरी गुड। और तुमने कौन सा बनाया? और वो बच्ची जो है वो बनाई है पिंकी कुमार, बहुत बढ़िया। तो मुझे पता है कि तुम बड़े टैलेंटेड हो और बहुत बढ़िया, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर। याद रहे मैं भूल जाऊंगा, 19th को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, ये लीड करेगा और सब चुपचाप होता रहेगा, कोई समझेगा नहीं कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। हमारे जो मतलब पास आएंगे उनको भी पता नहीं लगे कि ये पागल लोग क्या कर रहा है, इधर कवि सम्मेलन है, इधर प्रोग्राम है, इधर उधर क्या कर रहा है।
लेकिन आपकी पेंटिंग इतनी बड़ी होने जो भी खींचेंगे उसके दिल को छा जाना चाहिए, मतलब उसको लगना चाहिए कि मैंने हमने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला है, हमने क्या खोला है, बच्चे जो है मतलब सो मैंने लिटरली एंड कल्चरली और आज का जो माहौल है कि सारी बातें तो हम लोग कलाओं से ही कह देते हैं, बोलने की कला है, लिखने की कला है, और ये तमाम कलाएं जो है चित्रकला से लेकर ललित कला, आई होप कि आप अच्छा करेंगे और कवि सम्मेलन में उसको जरूर बुलाएंगे किसको, मैं नाम भूल रहा था लेकिन जब भी वो रहा है तो प्रोग्राम में अच्छा गया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। किसका प्रोग्राम खत्म नहीं होगा और बाकी सब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तुम जल्दी जल्दी शॉर्ट करो नहीं तो अभी नेक्स्ट लाइन मैकेनिकल ब्रांच भी है, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इनको कौन भूल सकता है, मोबाइल तो देख लो इनके बारे में मैं कुछ बता देना चाहूंगा, इनके फोटो बनाने के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट किया गया था कि इनका फोटो सबसे अच्छा बनना चाहिए, कौन बोला था उसका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, सभी स्टूडेंट जितना प्यार हम लोगों को दिए हैं और खासकर मैं अपने बारे में बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं भी स्टूडेंट की तरह हूँ, तो थैंक यू टू ऑल माय बिलव्ड स्टूडेंट एंड प्रिंस एंड देयर सपोर्टिंग मेंबर्स, थैंक यू। एक्चुअली बात ऐसा है कि मैंने एक सिर्फ कोशिश किए थे, अगर यहाँ का एक माहौल टाइप रहता है कि अगर जहाँ प्रोग्राम अच्छा नहीं हो तो पब्लिक आंटे और टमाटर बरसाने लगते हैं, तो मैंने सफर भाईजान से ऑलरेडी कह चुका हूँ बिरयानी के लिए तैयार रहिएगा, मैं अंडे और टमाटर लेके आ रहा हूँ, लेकिन अभी उनको लग रहा होगा कि आज बिरयानी तो गई। अब फिजिक्स डिपार्टमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, यूं तो कहूँ यह विषय सबसे ज्यादा समझ में आता है, तो भी क्यों ना आइंस्टीन न्यूटन के नियम जो बताया जाता है यहाँ, मोशन से शुरू होकर ये यहाँ एक बात खास रहती है फिजिक्स डिपार्टमेंट के, यहाँ कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा पढ़ाया जाता है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, सर इतना बोलते बोलते थक गए हैं ना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जा रहा है।
चाहता था कि सब थोड़ा मेजर होते Thank you, sir. Next slide, please. Wow, chemistry. ये तो डिपार्टमेंट केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है. यहाँ की बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत होती है वैसे. तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से मैं सीपी सर को बुलाना चाहता हूँ. सीपी सर, कमांड प्लीज क्लैप फॉर सीपी सर. डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसके लिए मैं ज्योता दास मैम को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पर. प्लीज मैम. इसको देखे तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं. 440 वोल्ट का झटका से कम नहीं होता, क्योंकि यहाँ इतने सारे फॉर्मूले हैं कि सब कुछ भूल जाता है. अनुज कमांड स्टेज. अनुज कमांड स्टेज. देयर स्टैंडिंग आल्सो अनुज कुमार शर्मा. Second year, lateral entry. Yes, sir. अब मैं की बात कर रहे हैं तो मैं के चोरी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर. प्लीज मैम. ये भी अनुज कुमार शर्मा के नाम कहीं सुना है. यस सर. एक्चुअली जितने डार्क सेट्स हैं सर, सारे फोटो इनके द्वारा बनाए गए. डार्क सेड वाले फोटो. थैंक यू मैम. अब तो आ गई जिसकी बारी थी. यहीं से सारे नॉलेज के सोर्स मिलते हैं. तो हाँ, एक बात ये भी कर सकते हैं, ज्ञान की गंगा तो यहीं से निकलती है. तो लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन लाइब्रेरी सर के छोटे सर को बुलाना चाहता हूँ. सर प्लीज कमांड स्टेज. सर हाजिर हो. अब आ गए. अब तो रिजल्ट की बारी आ गई.
इसको तो देख के सबका दिल का धड़कन 440 से 880 के स्पीड में धड़कने लगता है। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूँ, अब आप समझ ही गए होंगे, हाजिर हैं? नहीं है, लगता है आज रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सर का फाइन, एक रिक्वेस्ट है कि सर का फाइन जरूर लाया जाए, क्योंकि हम लोग से थोड़ी सी गलती हो जाती है तो फाइन से मत डरो, जितना दोगे उतना ही फाइन हो जाओगे। ओके सर, थैंक यू, इट्स अ स्मॉल गिफ्ट फॉर मी। मंडल के गढ़वा जिला से हमारा छोटा भाई इस विद्यालय में फर्स्ट ईयर मैकेनिक इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है, उसी के हम साथ में आए थे, तो ऐसा उसको मौका देखा, सोचा कि हम भी गाना गाते हैं। पंचायत समिति सदस्य ब्रिटिश से भी हैं अपने नगर प्रखंड पंचायत से, सोचा कि आप लोग का आशीर्वाद करने दिला प्यार मिले, तो पवन सिंह कलुआ के सारे सबके साथ गाना गाते हैं, तो आप लोग को योजना सुना देंगे। हो जब से मैं नारे बनल रोज अखियारिलवा दीवाना तोरा प्यार में, दिलवा दीवाना तोरा प्यार में, जब से मैं करिले शुक्रिया हम ओह भगवान के, तोह के बनौले पार कवन मान के, करिले शुक्रिया हम ओह भगवान के, तोह के बनौले पार कवन मान के, हो चमके चेहरा नूरानी लग परियन के रानी, चमके चेहरा नूरानी लग परियन के रानी, तोहरा जैसन के हो ना संसार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, बनावे जो चाहिए तो बनावे नहीं पड़ी है, तो देख के नूरानी झलके ऊपर के पानी, देखे ऐसे नूरानी झलके चेहरा के पाने, खोज मिले ना के हो इंतजार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, जब से मैं नाला पतिया के बढ़ल, जब से मैं नाला पतिया के बढ़ल। Thank you.
Thank you.